भारत देश चमत्कारों की भूमि है। यहाँ चमत्कारों से परिपूर्ण कई स्थल हैं। ऐसा ही एक स्थल है रतनगढ़, जिसका नाम रतनगढ़ वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। यह देवी जी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं ये मंदिर इतना सिद्ध है कि यहाँ की मिट्टी में भी चमत्कारिक गुण है। अगर किसी को जहरीले जीव ने डस लिया हो तो यहाँ की मिट्टी चाटने से रोगी तुरंत स्वस्थ हो जाता है। इसी मान्यता के चलते यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जहरीले जीव का जहर भी माता के चमत्कार के सामने बेअसर साबित होता है। मंदिर परिसर की मिट्टी को लोग भभूत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मंदिर से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। बताया जाता है करीब 400 साल पहले जिले में तानाशाह अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उसने सेवड़ा से रतनगढ़ आने वाले पानी को बंद कर दिया था। तब राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला और उनके भाई कुंवर गंगाराम देव ने इसका विरोध किया था। उन्होंने भीषण जंगल में जल समाधि ले ली थी। तभी से माता रतनगढ़ और भाई कुंवर देव इस मंदिर में पूजे जाते हैं। उसी समय से यहां सर्पदंश से पीड़ित लोगों का जहर भी उतारा जाता है। यह मंदिर पवित्र स्थान सिंध नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में देवी माँ के दर्शन के अलावा कुंवर महाराज की भी पूजा की जाती है। इंसानों के अलावा जो पशु बीमार होते हैं उनका भी इलाज इस मंदिर में होता है। स्थानीय लोगों का मानना है अगर भाई दूज के दिन पशु को बांधने वाली रस्सी देवी माँ के पास रखी जाए, इसके बाद उस रस्सी से दोबारा पशु को बांधा जाए तो वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। इस पवित्र स्थान घने जंगल में और सिंध नदी के तट पर है। भक्त की हर साल हजारों संख्या में यहाँ भक्तगण आते हैं। माँ रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भाई दूज दिवाली के अगले दिन हजारों भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। हर साल माता और कुंवर महाराज के दर्शन पाने के लिए श्रद्धा पीड़ित लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। दतिया जिले के सेवड़ा से 8 मील दक्षिण पश्चिम की ओर रतनगढ़ नामक एक स्थान है। यह कोई गाँव नहीं है। एक ऊंची पहाड़ी पर दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। दुर्ग संपूर्ण पत्थर का रहा होगा, जिसकी दीवारों की मोटाई 12 फीट से लगभग है। यह पहाड़ तीन ओर से सिंधु नदी की धारा से सुरक्षित है। इसी विचार से यह दुर्ग बनाया गया होगा। स्थान अत्यंत ही रमणीक रहा होगा। घने जंगल के बीच में है। यहाँ उस पहाड़ी पर एक देवी जी का मंदिर बना हुआ है, जिसे रतनगढ़ की माता के नाम से जाना जाता है। 2 दशकों तक दस्युओं के आतंक कारण यहाँ लोगों का आना जाना कम ही हो गया था। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यहाँ एक मेला भरता है, जिसमें अनेक व्यक्ति देवी की मनोती मनाने के लिए आते हैं। जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वे देवी को प्रसाद चढ़ाने, ब्राह्मण को भोजन कराने और देवी जी की आराधना में बोए हुए देवांकुर चढ़ाने के लिए आते हैं। इस स्थान की ख्याति दूर दूर तक एक सिद्ध पीठ के रूप में है। यहाँ से 7-8 मील की दूरी पर देवगढ़ का एक किला है, जो बहुत ही ठीक स्थिति में है। किले में अनेक कमरों में ताले पड़े हुए हैं, जिन्हें कदाचित शताब्दियों से नहीं खोला गया। कहते हैं इस स्थान पर रात को कोई नहीं ठहर सकता। जिन्होंने ठहरने का दुस्साहस किया उनके शव दूसरे दिन पाए गए। रतनगढ़ के राजा रतन सिंह के 7 राजकुमार और एक पुत्री थी। पुत्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की ख्याति से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने के लिए रतनगढ़ की ओर सेना शहर प्रस्थान किया। घमासान युद्ध हुआ, जिसमें रतन सिंह और उनके 6 पुत्र मारे गए। 7वें पुत्र को बहन ने तिलक करके तलवार लेकर रणभूमि में युद्ध के लिए विदा किया। राजकुमारों ने भाई की पराजय और मृत्यु का समाचार पाते ही माता वसुंधरा से अपनी गोद में स्थान देने की प्रार्थना की। जिस प्रकार सीता जी के लिए माँ धरती ने शरण दी थी, उसी प्रकार इस राजकुमारी के लिए भी उस पहाड़ के पत्थरों में से एक खाई दिखाई दिया, जिसमें वह राजकुमारी समा गई। उसी राजकुमारी की यहाँ माता के रूप में पूजा होती है। यहाँ पर विवर आज भी देखा जा सकता है। मुसलमानों से युद्ध का स्मारक हजीरा पास में ही बना हुआ है। हजीरा उस स्थान को कहते हैं जहाँ 1000 से अधिक मुसलमान एक साथ दफनाए गए हों। विंसेंट स्मिथ ने इस देवगढ़ का उल्लेख किया है, जो ग्वालियर से 10 मील की दूरी पर है। युद्ध में मारे गए राजकुमार का चबूतरा भी यहाँ बना हुआ है, जिसे कुंवर साहब का चबूतरा कहा जाता है। किसी भी पुरुष अथवा पशु को सांप काटने पर प्रायः कुंवर साहब के नाम का बंध लगा दिया जाता है, जिससे विष का प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त नहीं होता। यह बंध कोई धागा आदि नहीं होता, जिसे बांधा जाता है। केवल कुंवर साहब की आन देकर कुंवर के चारों ओर उंगली फेर देते हैं, इसी को बंध कहा जाता है। दीपावली के पश्चात पड़ने वाली द्वितीया के मेले में इस चबूतरे के पास सर्पदंश वाले ऐसे लोग और गाय बैल भैंस आदि के बंध काटे जाते हैं।
विचित्र बात तो यह है कि पुजारी के बंद काटते ही उस व्यक्ति को मूर जाती है, उसे चौतरे का परिक्रमा कराकर घर जाने दिया जाता है। बुंदेलखंड के प्रायः प्रत्येक गांव में गांव के बाहर अथवा भीतर एक चबूतरे पर दो ईंटें रखी जाती हैं, जिन्हें कुंवर साहब का चबूतरा कहा जाता है। इन्हें जनमानस में लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। सामान्य व्यक्तियों को इनके संबंध में केवल इतना ही पता है कि ये कोई राजपुत्र थे। अनेक स्थानों पर बहुत प्राचीन सत्य के रूप में भी ये दिखाई देते हैं। उस समय एक दूध का कटोरा रख देने से ये अदृश्य हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है।